अगर आप ज्ञान के खोजी हैं तो अर्जुन की ये कहानी जरूर सुनिए। एक छोटे से विलेज में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत होशियार था और हमेशा सीखने को तैयार रहता था। एक दिन उसे पता चला कि पास के जंगल में महर्षि वशिष्ठ नाम के नॉलेजी साधु रहते हैं। सच्चा ज्ञान पाने के लिए अर्जुन उनसे मिलने निकल पड़ा। आश्रम पहुंचकर उसने सिर झुकाकर विनती की, मुझे ज्ञान दीजिए। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच्चा ज्ञान चाहते हो तो पहले अपने मन को शांत करो। सुबह होने पर पहाड़ी पर जाओ और ध्यान करो। अर्जुन ने उनकी बात मानी, लेकिन उसका मन बहुत चंचल था। उदास होकर वो वापस लौट आया। साधु ने कहा, अगली बार अपने साथ चावल की एक थैली भी ले जाना, ध्यान करते समय उसे गोद में रखना। अर्जुन ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी ख्याल उसे भटकाते रहे और चावल बिखर गए। महर्षि वशिष्ठ ने समझाया, जिस तरह तुम चावल को गिरने से नहीं रोक सकते, उसी तरह तुम विचारों को भी नहीं रोक सकते। उन्हें आने दो, जाने दो। सच्ची शांति और ज्ञान तो धैर्य और अपने भीतर समर्पण करने में है। अर्जुन ने इस ज्ञान को अपनाया, अपने मन को शांत करना सीखा और सच्चा ज्ञान पाया। और ऐसे उसने ये खोज की कि सच्चे ज्ञान की यात्रा तो धैर्य और समर्पण का एक इनरी सफर है।